हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? फाइन, ओके स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ईवीएस. ओके, सो ऑल ऑफ यू टेक आउट योर टुडे एंड ओपन पेज नंबर 185, दिस वन. ओके स्टूडेंट्स, सो एज यू ऑल नो दैट वी हैव कंप्लीटेड आर लेसन नंबर 3, एक्सप्लेनेशन पार्ट. यस और नो? So now let's move ahead to our next part. That is, yes, exercise part. और सबको complete करना ही है tulip में, हाँ students? So ready all of you? Look here. Question number 1. What is this? Tick the correct answer. तो आज हम क्या करने वाले हैं students? Tick the correct answer करने वाले हैं. Okay students? First question is, डैश एनिमल्स कैन बी कैप्ट एज पैट्स एट होम्स और इन फार्म्स. ऐसे कौन से एनिमल्स होते हैं जिसको हम एज ए पैट अपने घर पर भी रख सकते हैं और फार्म्स में भी रख सकते हैं? एंड योर ऑप्शन इज वाइल्ड. वाइल्ड एनिमल्स को हम अपने घर पर रख सकते हैं? नो, नेवर, कभी नहीं. डोमेस्टिक, यस, डोमेस्टिक एनिमल्स को अपने घर पर रख सकते हैं ना हम. हंटिंग, तो शिकार करने वाले एनिमल्स, वो तो हम नहीं रख सकते. और फॉरेस्ट मीन्स जो फॉरेस्ट में ही रहते हैं, जंगल में. तो व्हाट इज अवर करेक्ट आंसर? डोमेस्टिक. ओके, सो ऑल ऑफ यू टिक द डोमेस्टिक ऑप्शन. डोमेस्टिक एनिमल्स कैन बी कैप्ट एज पेट्स एट होम्स और इन फार्म्स. डन स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एंड कैट्स आर कॉमन पेट एनिमल्स. कॉमन पेट यानी कि ऐसे एनिमल्स जो कॉमन हो, यानी कि जो हम अपने घर पे रख सकते हैं. ओके, एंड योर ऑप्शन इज टाइगर्स. क्या हम टाइगर्स को घर पे रख सकते हैं? नो. हैंस को हम अपने घर पे रख सकते हैं? नहीं, हम एज अ पेट उसको नहीं हम साथ में ले सकते ना, और वो कॉमन एनिमल थोड़ी ना है. स्क्विरल, नो, स्क्विरल भी नहीं रख सकते. डॉग्स, यस, डॉग्स इज योर करेक्ट आंसर. सी, डॉग्स एंड कैट्स आर कॉमन पेट एनिमल्स. आपने देखा स्टूडेंट्स, डॉग्स एंड कैट्स आर कॉमन पेट एनिमल्स. सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? डॉग्स. ऑल ऑफ यू टिक द ऑप्शन डॉग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनिमल दैट हेल्प्स इन प्लाइंग अ फील्ड इज द डैश. ऐसे कौन से एनिमल्स होते हैं जो खेत में काम आते हैं, हमारी हेल्प करते हैं? ओके, कौन से एनिमल्स होते हैं वो? एंड योर ऑप्शन इज ऑक्स, टाइगर, डोंकी, गोट. टाइगर हम हेल्प करते हैं? नो, वो तो वाइल्ड एनिमल्स है ना, वो तो फॉरेस्ट में रहते हैं. देन डोंकी, डोंकी कैरीज लोड्स, हमने ये सीखा था. गोट, गोट गिव्स अस मिल्क, मीट. गोट भी हेल्प नहीं कर सकते. सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? ऑक्स. वेरी गुड, ऑक्स इज योर करेक्ट आंसर. सो ऑल ऑफ यू टिक द ऑप्शन ऑक्स. सबको ऑक्स ऑप्शन पे टिक मार्क करना है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रैबिट्स लिव इन अ डैश. स्टूडेंट्स, रैबिट्स जहाँ पे रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एंड योर ऑप्शन इज बरो, डैन, स्टेबल, कैनल. बरो, रैबिट्स बरो में रहते हैं. दिस इज योर करेक्ट आंसर? यस, दिस इज योर करेक्ट आंसर. डैन में नहीं रहते ना, डैन में कौन रहता है? लायन रहते हैं डैन में. स्टेबल में हॉर्स, हॉर्स जहाँ पे रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? स्टेबल. ओके, कैनल डॉग के घर को बोलते हैं ना. ये सब हमने होम्स ऑफ एनिमल्स में सीखा सब कुछ. सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? रैबिट्स लिव इन अ बरो. सो ऑल ऑफ यू टिक द ऑप्शन बरो. डन स्टूडेंट्स, कर रहे हो ना मेरे साथ? नेक्स्ट वन, लास्ट क्वेश्चन, एंट्स मेक डैश. स्टूडेंट्स, एंट्स क्या बनाते हैं? एंड योर ऑप्शन इज नेस्ट, एंट हिल्स, बरोस, होल्स. कम ऑन, टेल मी, एंट्स क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स? एंट्स मेक नेस्ट. क्या एंट्स नेस्ट बनाते हैं? नो, बर्ड्स बिल्ड नेस्ट. एंट हिल्स,
Yes, and this is your correct answer. Burrows, तो हमने देखा ना रेबिट को घर को हम बोलते हैं बरो. Yes or no? हमने सीखा था ना ये सब कुछ. तो फिर what is your correct answer? Anthill. Anthill is your correct answer. Ants make anthill. So all of you tick the option anthill. Okay, students. So these are our 5 questions. Okay, that we have done today. Tick write the correct answer. What you have to do, students? You have to complete this topic. Okay, question number 1. In your tulips. आपको tulips में ये करना है. Okay, students. Thank you.